सफेद पोशू का काम मुझे फाइल पास हो जाएगी पहले पैसे ला और रिपोर्ट को गायब कर दूंगा। गुरु धंधा करने वालों को अनिरुद्ध बहाल करेंगे। कैमरे में कैद सच कभी झूठ नहीं बोलता और आज हम करेंगे बीपीओ इंडस्ट्री में हुए सबसे बड़े गोरख धंधे को बेनकाब। ये हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक इंडस्ट्री है, कंप्यूटर और फोन के जरिए चलने वाला एक ऐसा उद्योग जो कहलाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या फिर बीपीओ। ऐसे बीपीओ जो कॉल सेंटर्स के जरिए कमाते हैं करोड़ों रुपए, जिनका 3 साल बाद सालाना कारोबार होगा $57 बिलियन। हिंदुस्तानी कॉल सेंटर्स के कस्टमर्स दुनिया के कोने कोने में फैले हैं। इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों के लाखों लोग हिंदुस्तान के किसी न किसी कॉल सेंटर की सेवाएं ले रहे हैं। लाखों विदेशी कस्टमर्स की निजी जानकारी इन्हीं कॉल सेंटर्स के कंप्यूटर्स में दर्ज है। नाम, पता, टेलीफोन नंबर हो या फिर पासबुक और क्रेडिट कार्ड के नंबर, यहां तक कि कस्टमर से हुई बातचीत के रिकॉर्ड भी। मामला कॉल सेंटर्स के करोड़ों के कारोबार का है, सवाल लाखों विदेशी कस्टमर्स की गोपनीय जानकारी का है, भरोसे का है। लेकिन उन्हीं विदेशी कस्टमर्स के भरोसे को तोड़कर कुछ ऐसे सनसनीखेज सौदे हुए जिससे पूरी बीपीओ इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। बीपीओ इंडस्ट्री का सारा कारोबार कस्टमर्स पे टिका है। हर बीपीओ कंपनी अपने कस्टमर की निजी जानकारी रखती है। वैसे तो कस्टमर की निजी जानकारी या पर्सनल डेटा को गोपनीय रखा जाना चाहिए, लेकिन कस्टमर के साथ धोखा भी हो सकता है, क्योंकि अब कस्टमर के पर्सनल डेटा से होने लगा है करोड़ों का काला कारोबार। किसी भी वक्त किसी भी कस्टमर की निजी जानकारी का सौदा हो सकता है, यहां तक कि उनकी बातचीत के रिकॉर्ड भी बिक सकते हैं। But let me tell you, ma'am, it's a recorded line, right? And whatever information you provide me or my company is held under the strictest of confidence, right? Because when I told you, we are protected under the Data Protection Act according to the UK law. ये आवाजें हैं इंग्लैंड के कस्टमर और उससे बात करते भारत के कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की, और आवाजों की इस रिकॉर्डेड फाइल को कहते हैं वॉइस फाइल। कस्टमर की गोपनीय जानकारियों वाली ये वॉइस फाइल सिर्फ कॉल सेंटर के पास होनी चाहिए, लेकिन आप इसे खुलेआम टीवी पर देख और सुन रहे हैं। कॉल सेंटर से कैसे कस्टमर के पर्सनल डेटा को गायब किया जाता है, कैसे कस्टमर के डेटाबेस को बेचा जाता है, डेटा चोरी के धंधे को बेनकाब करने के लिए इंग्लैंड के सन अखबार ने एक खुफिया ऑपरेशन चलाया। सन अखबार ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरी बीपीओ इंडस्ट्री में खलबली मचा दी। इस खुलासे को आप पहली बार टेलीविजन पर देखेंगे। आप पहली बार देखेंगे कि कैसे कॉल सेंटर में काम करने वाले एक मामूली शख्स ने किया लाखों का सौदा। 26 जून 2005 अखबारों की सुर्खियों में एक ही नाम था, करण बाहरी। गुड़गांव के इंफिनिटी ई सर्च कॉल सेंटर का कंटेंट राइटर, जिसने किया था सौदा इंग्लैंड के बैंक कस्टमर्स की गोपनीय जानकारियों का। लेकिन इंग्लैंड के सन अखबार के चक्रव्यूह में करण बाहरी कुछ ऐसा फंसा कि कॉल सेंटर्स में चल रहे पूरे गोरख धंधे सामने आ गए। कहां है करण बाहरी, किसी को कुछ नहीं पता। वो शख्स आज भी लापता है जिसने अपने फायदे के लिए हिंदुस्तान की बीपीओ इंडस्ट्री की साख को ही दांव पर लगा दिया। करण बाहरी ने आखिर ऐसा क्या किया था? सन के इस खुलासे के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन इसे देखा नहीं होगा। सन का ये अंडरकवर ऑपरेशन हम आपको टेलीविजन के पर्दे पर पहली बार दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि करण बाहरी ने कैसे इस कारनामे को अंजाम दिया। जून 2005 दिल्ली का एक 5-स्टार होटल, करण बाहरी के साथ पहली मुलाकात। यहां करण बाहरी बीपीओ इंडस्ट्री के कुछ नए कारोबारियों से मिलने आया है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि ये कारोबारी हैं सन अखबार के रिपोर्टर।
उसे ये भी नहीं मालूम कि उसकी हर हरकत हर बात खुफिया कैमरों में कैद हो रही है। So, shall we start? सन अखबार के रिपोर्टर करण बाहरी से ये कहकर मिले कि वो भारत में एक नया कॉल सेंटर शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें क्लाइंट्स के डेटाबेस की जरूरत है। जल्दी पैसा कमाने की फिराक में लगे करण बाहरी ने दावा किया कि वो इंग्लैंड के 1000 कस्टमर्स का डेटा देगा। भरोसा दिलाने के लिए वो सैंपल डेटा की सीडी के साथ आया था। बातचीत में करण धीरे धीरे खुलता चला गया और उसने बताया कि कस्टमर्स की ये निजी जानकारी किस तरह इस्तेमाल की जा सकती है। So you'd have it, you've been called, he was in England and say, we need to change your, do you need a new card? Definitely. Or? If I offer Paul, say, a 5% cut in his interest rate, why won't Paul know for it? Yeah. Absolutely. I don't understand the point. If I'm offering Paul, boss Paul, I'm giving you a totally new card because this was great value and 5% less interest. Are you interested? Why would Paul tell me no? No, of course he wouldn't. करण के मुताबिक उसकी कंपनी मुख्य रूप से इंग्लैंड के क्रेडिट कार्ड धारकों से डील करती थी और उसके पास कस्टमर्स की वो सारी जानकारियां थी जो आमतौर पर क्रेडिट कार्ड बनवाते वक्त दी जाती हैं, जैसे नाम, बैंक अकाउंट, तनख्वाह और प्रॉपर्टी वगैरह। इन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की डिटेल्ड लिस्ट हर कॉल सेंटर को विदेशों में स्थित उनके हेड ऑफिस से मिलती है और ये कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स इन कस्टमर्स को कॉल करके डेटाबेस को रोजाना अपग्रेड करते हैं। See, a data can be dealt in two aspects. One is that mobile numbers. Mobile numbers may not work. So in terms of mobile number, on the total data, I'm telling you that 20-30% mobile numbers could be not working. Because you, as you are aware, like in just 1 week, probably 2 weeks, the guy, UK customer changes the mobile number. Yeah. But yes, on the total data, not more than 20-30% are dead. But the mobile number? Yeah, mobile numbers. How do you know that? Because we are getting fresh data. Because what is the source of lead set? Lead set can be acquired by two sources. One is basically from center. Center who is actually calling customers every week, every day and generating the lead set. That is one center. The second is the vendors. Okay, now vendors who I'm dealing with, I'm not actually taking just 100 leads or say 1000 leads. Basically, I'm talking about say 10,000, 50,000 leads every day. Every day? Yes, because I've got my centers in Pune. And Ahmedabad, Jaipur, the new center, that is requiring a very big amount. आमतौर पर कॉल सेंटर के जूनियर एम्प्लॉयज के पास सिर्फ कस्टमर का नाम, पता और टेलीफोन नंबर होना चाहिए। हैरानी की बात ये थी कि करण बाहरी एक जूनियर स्टाफ होने के बावजूद जो डेटा बेचने की बात कर रहा था, उसमें न सिर्फ कस्टमर्स के बैंक अकाउंट नंबर थे बल्कि उनके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और उसके 3 अंक वाले सिग्नेचर कोड भी थे। Yeah, the customer information, customer address, what has customer been doing, like might be a retired government officer or anything. Then the banking details, bank account numbers, short code, CV2 code, credit card details, starting date, expiration date, password, yes. करण बाहरी 1000 विदेशी कस्टमर्स का पर्सनल डेटा बेचने को तैयार था। ऐसे कस्टमर्स जिनका नाम, पता, बैंक डिटेल, अकाउंट नंबर और क्रेडिट कार्ड के सिग्नेचर कोड कॉल सेंटर में सुरक्षित थे, लेकिन अब वो तमाम गोपनीय डेटा करण बाहरी के हाथ में था। करण बाहरी अपने साथ लाए 1000 लोगों के पर्सनल डेटा का सौदा करने आया था। इतना ही नहीं, करण बाहरी ने सामने बैठे खरीदार से कहा कि उसके पास इंग्लैंड के 1.5 लाख लोगों का पर्सनल डेटा है, जरूरत पड़ी तो वो 1.5 लाख लोगों की निजी जानकारियों को भी बेच सकता है। करण बाहरी के मुताबिक उसके पास 1.5 लाख लोगों का डेटा था। करण बाहरी इस खेल में अकेला नहीं था।
और लोग भी उसके नेटवर्क में शामिल थे और उसे अपने नेटवर्क पर पूरा भरोसा था। The volume was no issue, the quality won't be an issue. Don't bother about the volumes and the quality of the data. That is which I am actually taking issue with because I know my data. बातों बातों में ही करण ने ये बताना शुरू किया कि डेटा बेचने का कारोबार होता कैसे है। I've got primarily three centers which I am taking care of in terms of data set, Pune, Ahmedabad and this, I believe, Bangalore one. So these three are major centers. Yeah. These are like old centers. Yeah. Ahmedabad is a new one, so it's taking up more information right now. Okay. So you give them it? Yeah, I give them it. करण ने अपने साथ जुड़े लोगों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन ये जरूर बता दिया कि सौदे के बदले उसे जो पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ हिस्सा उसे अपने नेटवर्क से जुड़े लोगों को भी देना होता है। Yeah, see, there is a hierarchy going on. Yeah. At the very root level, yeah. There are certain margins which these people take up. Then yeah. It comes to the guys up. So how much should they get paid then? Depends. Sorry? Depends. Yeah. It depends upon the process, what is the volume I'm taking up. What is the security level involved? There's certain aspects you need to take care of. Okay. So strategy. How do they get their stuff to you? Is that a secret or? That is something confidential. But presumably they must have methods of doing it. The call centers don't realize they're doing it. Yes, they do know. They do know? They certainly do know because this is something which is not very large. Its space is not large. It's a limited population out here. किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी और कॉल सेंटर की बुनियाद है कस्टमर का डेटाबेस। कस्टमर का डेटा इतना संवेदनशील और गोपनीय होता है कि कस्टमर से बात करने वाले स्टाफ को ही केवल इसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन करण भारी के पास इतना पर्सनल डेटा आया कहां से? क्या डेटा चोरी करने वालों में करण भारी के साथ कुछ और लोग भी शामिल थे? ब्रेक के बाद मिलेंगे इन सवालों के जवाब। आप देखते रहिए बेनकाब।